हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेंचुरी मीटर के बारे में। वेंचुरी मीटर क्या होता है और इसकी एक इक्वेशन बनती है, जो हमें फाइनल इक्वेशन चाहिए, फाइनल फॉर्मूला चाहिए, वो हमें चाहिए होता है। तो वेंचुरी मीटर, सबसे पहले ये बता दूं कि रेट ऑफ फ्लो ये पता करने के लिए काम आता है। रेट ऑफ फ्लो क्या है कि एक पाइप है, पाइप में पर सेकेंड मेरे पास कितना मास बाहर आ रहा है, डिस्चार्ज जिसे कहते थे। ये पुराने टाइम में जैसे हमारे पास कोई ऐसा डिजिटल तो होता नहीं था, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास पुराने टाइम में प्रेशर मापने के साधन थ्री थे, कैसे, जैसे मैनोमीटर है, पीजोमीटर, जैसे आपको बताया हुआ है मैंने, ठीक है, सिंपल मैनोमीटर, वो आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने सारा समझाया हुआ है। अब वेंचुरी मीटर इनके काम आ गया, कैसे कि रेट पता करना किस हिसाब से ज़्यादा फ्लो जा रहा है। अब ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो कि जिसमें अगर मैं एक वैल्यू पुट करूं और मुझे सीधा सीधा आंसर मिले कि यहाँ से रेट ऑफ फ्लो कितना जा रहा है, जिसको कुछ भी नहीं पता, मैं कहूं कि थोड़ा बहुत उसको समझ है, वो भी आपको बता दे कि फ्लो ज़्यादा है या कम है, ठीक है। अगर वो बता सकता है तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो सकता है। तो वेंचुरी मीटर हमें यहाँ पर समझना होगा कि किस तरह से वेंचुरी मीटर काम करता है। सबसे पहले मैं इसकी बनावट के बारे में बता दूं, वेंचुरी मीटर किस तरह से है कि ये हमारे पास एरिया ज़्यादा होगा स्टार्टिंग में, फिर अचानक से एक कन्वर्जिंग पोर्शन आएगा। कन्वर्जिंग का मतलब थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा एरिया, एक जगह पे इकट्ठा ऐसे हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा, और कन्वर्जिंग होने के बाद थोड़ा सा ऐसे रहने के बाद उसके बाद फिर डाइवर्जिंग पोर्शन आता है, फिर से बड़ा हो जाता है ये पोर्शन और इस तरह से फिर ओपन हो जाता है। और इस तरह करने से होगा क्या, अब अगर आपने बर्नौलीज थ्योरम समझी हुई है, ठीक है, एक होते डेरिवेशन का थ्योरम, मैंने थ्योरम में आपको समझाया हुआ है सारा कुछ, अगर नहीं समझा हुआ आपने तो पहले मेरी वो वाली वीडियो देख लीजिए, तो वेंचुरी मीटर और ज़्यादा आसान लगने लग जाएगा। उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। हमारे पास तीन एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तीन होती है। अब इसमें हमारे पास यहां पे अगर एक ये देखो डिवाइस लगा दिया, कौन सा, पीजोमीटर लगा दिया, और यहां पे भी लगा दिया, कौन सा, पीजोमीटर लगा दिया, और इसमें जो है हमारे पास हाइट आएगी, इसमें हमारे पास हाइट किसकी आएगी, इसके अंदर फ्लूइड की, ठीक है। और मैंने ये बताया था जब भी एरिया स्मॉल होगा तो यहां का प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो यहां पर जो फ्लूड राइज होगा यहाँ पे वो थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो पोटेंशियल सॉरी प्रेशर एनर्जी ज्यादा थी ना, यहाँ प्रेशर एनर्जी ज्यादा थी क्योंकि ये एरिया भी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे हाइट ज्यादा होगी, ये होगी हाइट, और इसमें जो हाइट होगी वो थोड़ी कम होगी, वो थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी। अगर ये चीज आपको समझ आई हुई है, कारण पता है इसका, तभी ये कर सकते हो, नहीं नहीं है तो डेरिवेशन, अगर आपको सिर्फ पेपर पास करना है तो डेरिवेशन क्विक से समझ आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको समझना क्यों है, कारण क्या है, तो आप आराम से पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए, बर्नौलीज थ्योरम वाली। यहाँ तक हो गया, ये चीज़ समझ आएगी कि वेंचुरी मीटर ये पाइप के बीच में कहीं फिट कर देते हैं, ये बड़ी पाइप है, पीछे से पाइप आ रही है, पता नहीं कितनी किलोमीटर की लाई पाइप पर चल जाती है कई बार, ठीक है, एक देश से दूसरे देश तक जा रहा है पेट्रोल, तो हम यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो देखेंगे, क्यों, क्योंकि पर सेकंड मुझे ये पता लग गया कितना मास, कितना क्वांटिटी आ रही है, उसी हिसाब से हम रेट बनाएंगे ना, कितना तेरे पास तेल पहुँच गया, ले भाई इतना तेरा रेट इतना बन गया, है ना, उनमें भी तो रेट ऑफ फ्लो देखना पड़ेगा। तो ये बस इतनी सी चीज़ हमें देगी रेट ऑफ फ्लो, कैसे देगी, वेंचुरी मीटर कैसे काम करते हैं, और आओ देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वेंचुरी मीटर है जिसमें मैंने दो पीजोमीटर लगा दिए, तो यहाँ पे ये सबसे पहले समझना होगा कि बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करनी है, ठीक है। वी ऑलरेडी नो, सब कुछ सब हमें पता है, वी नो क्या, बर्नौलीज थ्योरम पता है, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है कि पी वन पॉइंट पे जितना मेरे पास एनर्जी होगी, टू पॉइंट पे सम उतना ही एनर्जी का होगा, तो पी वन अपॉन रो जी प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू जी प्लस जी वन, और P2 square P2 by rho g प्लस V2 square by 2g और प्लस Z1, ये इक्वल होगा। और सबसे पहली बात
कि जमीन अगर ये है मेरे पास, जिसको हम डेटम लाइन कहते हैं, ये वन पॉइंट है और ये टू पॉइंट है। एक चीज देखो, दोनों की हाइट यहां से यहां तक सेम है, हमारे पास हाइट में कोई डिफरेंस नहीं है, हमारे पास इन दोनों की हाइट में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो ये भी Z1 उतना ही है जितना ये Z2 है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, सीधी एक वर्टिकल हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और इंक्लाइन नहीं है, ठीक है, टेढ़ी बिल्कुल भी नहीं है। तो Z1 जितना है उतना Z2 है, अगर ये है तो Z1 Z2 को हम काट देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये देखिए P1 by rho g यहां पे, यहां पे, और ये वाला P2 by rho g इस साइड लेते हैं, V2 square by 2g यहां पे, और ये वाला इधर ले आते हैं V1 square by 2g की प्रेशर। मैं यहां का प्रेशर बोलू, देखो एक चीज मैं आपको समझाता हूं, ये क्या है हमारे पास हाइट, किसकी हाइट है यहां पे कॉलम की, h1 मान लेते हैं, इसकी हाइट मान लेते हैं h2, ठीक है h2। तो p1 क्या होगा, प्रेशर यहां का रो जी एच वन, याद है आपको मैंने बताया हुआ प्रेशर का ये फॉर्मूला होता है रो जी एच वन, और p2 क्या होगा रो जी एच टू, यही होगा, ठीक है। अगर मैं इसके यहां पे रो जी यहां पे ले आऊं, p1 बाय रो जी यहां ले आऊं, तो यहां पे क्या आ जाएगा h1, और यहां पे p2 बाय रो जी यहां पे कर दूं तो यहां पे क्या रह जाएगा h2। तो ये देखो p1 बाय रो जी, p2 बाय रो जी, दोनों का डिफरेंस अगर h1 मान लो 10 है, ये 3 है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 7। अगर इन दोनों का डिफरेंस लिख दें p1 माइनस p1 रो जी, p1 बाय रो जी माइनस p2 बाय रो जी, वो किसका डिफरेंस होगा, इन दोनों हाइट का डिफरेंस होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी, इसको लिख सकते हैं p1 बाय रो जी माइनस p2 बाय रो जी, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा h1 माइनस h2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं डेल्टा h लिख सकता हूं, इन दोनों के हाइट का चेंज, इन दोनों की हाइट का चेंज। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, सारी की जगह लिख सकता हूं डेल्टा h, इजी है। इन दोनों में से अब देखो, इन दोनों में से 2g कॉमन निकल रहा है, तो 1 बाय 2g कॉमन निकाल दो, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर यहां पे आ गया। अब आपको अगर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन याद है तो वो क्या कहते हैं, ए वन बी वन शुड बी इक्वल टू ए टू वी टू, यही होता ना, ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू। तो वी वन अगर यहां से निकाले तो क्या निकल जाएगा, ए टू वी टू अपॉन ए वन, ये निकल जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अब वी वन की जो वैल्यू है मैं यहां पे पुट कर सकता हूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये चीजें देखिए, वन बाय टू जी वी टू स्क्वायर माइनस वी वन, अब वी वन क्या है ए टू वी टू अपॉन ए वन, उस सारे का क्या है ये स्क्वायर है, इस तरह से। अब यहां से फिर से देखिए, वन बाय टू जी वी टू स्क्वायर यहां भी है, वी टू स्क्वायर यहां भी है, कॉमन निकाल सकते हैं, तो दोनों में से कॉमन निकलेगा बाहर आ जाएगा, तो वी टू का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा, यहां पे वन रह जाएगा माइनस यहां ए टू का स्क्वायर रह जाएगा, यहां ए वन का स्क्वायर रह जाएगा, ये आ गया, और यहां पे क्या आ गया डेल्टा एच। वी टू एक साइड रख लो, ठीक है, और बाकी सारी कुछ एक साइड दे जाओ, तो टू जी डेल्टा एच, बाकी सारा कुछ इस साइड आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, टू जी ऊपर चला जाएगा ना, ये टू जी ऊपर चलेगा और ये नीचे आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा वन माइनस एट, यहां पे था टू और यहां था वन, ए टू स्क्वायर अपॉन ए वन का स्क्वायर, और ये किसके बराबर आ रहा है वी टू स्क्वायर के, ठीक है। ये वाली वैल्यू को मैं ऊपर लिख लेता हूं यहां पे, तो स्क्वायर जो है इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, तो वी टू अंडर रूट किसका अंडर रूट टू जी एच, ठीक है, डेल्टा एच को एच लिख रहा हूं मैं, ठीक है, और यहां पे वन माइनस ए टू स्क्वायर बाय ए वन स्क्वायर, ए वन स्क्वायर यहां तक हो जाएगा, ये अंडर रूट यहां पे, ठीक है,
ये ऐसे, देखिए ये एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा, वी टू क्या बन जाएगा, अंडर रूट टू जी एच अपॉन ए वन का स्क्वायर का यहां पे आ जाएगा एलसीएम, ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर, और नीचे ए वन स्क्वायर आ जाएगा, ए वन का स्क्वायर। अब ए वन स्क्वायर जो है वो ऊपर जा सकता है, यहां पे वी टू क्या आ गया, अब वी टू आ गया, ए वन स्क्वायर ऊपर चला गया, टू जी एच ए वन का स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। अब स्क्वायर ए वन स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, ए वन बाहर आ जाएगा, तो वी टू क्या बन गया, ए वन अंडर रूट टू जी एच अपॉन ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। लो जी काम खत्म। कैसे, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दो, क्यू क्यू क्या होता है, ए वन वी वन ए टू वी टू ही होता है। अब अगर मैं इनमें से ए टू वी टू वाली इक्वेशन ले लेता हूं, तो सिर्फ ए टू वी टू वाली इक्वेशन कंसीडर करता हूं, ए टू वी टू तो क्यू क्या आ जाएगा, ए टू तो है वी टू की वैल्यू, ए वन अंडर रूट टू जी एच, एच क्या था, डेल्टा एच डिफरेंस, ठीक है, कोई बुक डेल्टा एच लिखेंगे, कई बुक इसको एच लिखेंगे, तो ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर, दैट्स इट। अब इसमें एक चीज लिया होगा, ये गोलाई ए वन सिर्फ एक बार निकालना होगा, कब, जब वो वैल्यू वेंचुरीमीटर बनाएंगे, उसकी वैल्यू दे के रखेंगे वेंचुरीमीटर की, ए वन यहाँ का ए टू ये भी ऑलरेडी देंगे वो वेंचुरीमीटर बनाने वाले दे देंगे, तो ये आ गया, ये आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, सिर्फ एच रह गया, एच क्या है, एच है इन दोनों का डिफरेंस, एच क्या है, एच वन और एच टू का डिफरेंस है। तो एक जो पढ़ा लिखा भी नहीं है बंदा, जिसको सिर्फ ये देखना है कि गिनती देखनी आती है, वो भी बता सकता है कि सर जी इस कितना डिफरेंस आ रहा है, ये वाला 10 मीटर पे है, ये वाला 7 मीटर पे है, या 3 मीटर पे, चलो ये मान लो 10 है, ये 3 पे है, तो 7 का डिफरेंस आ रहा है जी इसमें, तो कहा अच्छा 7 का है, बस इंजीनियर ने इसमें 7 लिखना है, कंप्यूटर में क्लिक करना है और क्यू निकल जाएगा, क्यू निकल जाएगा, रेट ऑफ फ्लो निकल जाएगा, जितनी वैल्यू आएगी मीटर क्यूब पर सेकेंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमें वेंचुरी मीटर की इस तरह से डेरिवेशन कर सकते हैं, और हमें इजी वे से पता लग सकता है कि होता क्या है वेंचुरी मीटर, और मैंने इस पे ना करवा भी रखा है ऑलरेडी, एक जो इसका प्रैक्टिकल है वो मैंने करवा रखा है, तो प्रैक्टिकल भी आप देख सकते हैं, अभी आपको थंबनेल दे देता हूँ, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। तो बर्नौलीज थ्योरम काफ़ी कुछ समझा देती है हमें, तो आपको ये चीज़ समझ आई या नहीं आई मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। थैंक यू सो मच।